ट्रैवलिंग या लंच बॉक्सेस के लिए अगर कोई सिंपल सी रेसिपी आप बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे कैप्सिकम पीनट की एक सिंपल सी सब्जी जो बनाने में बहुत आसान है, लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत ही लाजवाब होती है। पीनट का क्रंची फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम को मीडियम साइज़ के टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है, स्क्वायर पीसेज रखे मैंने। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर लीजिए। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है, लेकिन इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। करी लीफ ले लेंगे, लगभग 10 से 12 पत्ते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए पीनट पाउडर, तो यहाँ पे मैंने पीनट को रोस्ट करने के बाद उसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही रखेंगे। तो लगभग 4 टेबलस्पून पीनट पाउडर ले लिया मैंने। अब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून के लगभग तेल गरम कर लिया है। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जैसे ही गरम होगा इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम के बीच रखिए, तो लगभग 30 सेकेंड में ये अच्छी तरह से भून जाए। सौंफ और जीरा जब अच्छी तरह से भून जाए तब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अगर आप इस रेसिपी को ट्रैवलिंग के लिए बना रहे हैं तो प्याज को पूरी तरह से स्किप कर दीजिए, तब इसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिनों तक अच्छी रहती है। अब इसी स्टेज पे मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है। सबको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच रखिए। लगभग आधे मिनट के लिए इसे भून लेंगे, कड़ी पत्ता का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मिला लिया है मैंने इसे अच्छी तरह से। अब इस स्टेज पे हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने रफली चॉप करके ऐड किया है। आप चाहें तो फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्ट्रिप्स में भी काट के डाल सकते हैं। अब प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर हल्का गुलाबी ना हो जाए, तो इस प्रोसेस में आपको कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा, मीडियम टू लो फ्लेम के बीच ही। तो बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भूनिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर अच्छा गुलाबी हो चुका है। अब इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे, सारे बेसिक मसाले जो डेली बेसिस की कुकिंग पे हम इस्तेमाल करते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए ताकि सूखे मसाले जले ना। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। मिलाने के बाद हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे और कैप्सिकम के साथ ही मसाले को भी भूनेंगे। तो यहाँ पर सबको अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे और इसके बाद हमें इसे कवर करते हुए पकाना है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक ऐड मत कीजिए, हम नमक बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसे कवर कर देंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। इतने में कैप्सिकम मॉइस्चर भी रिलीज़ करेगा और वो सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कवर हटाने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1/2 छोटी चम्मच मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। नमक डालने के बाद मिक्स कीजिए और फिर से कवर कीजिए लगभग 2 मिनट के लिए। लगभग 2 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने चेक किया तो पूरी तरह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं अंदर से। इससे ज़्यादा अब इसे नहीं पकाएंगे, लेकिन अगर आपको सॉफ्ट कैप्सिकम पसंद हो तो 5 मिनट के लिए कवर करते हुए और पका लीजिए, क्योंकि कैप्सिकम जब तक पूरी तरह से डन ना हो जाए तब तक हम इसमें पीनट पाउडर ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अच्छी तरह से, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका टेक्स्चर आएगा। अगर आप इसे पूरी तरह से सॉफ्ट कर देंगे तो इनका स्किन निकलने लगता है। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो जब आप कैप्सिकम को पूरी तरह से कुक कर ले उसके बाद आप इसमें पीनट पाउडर ऐड कीजिए। पीनट पाउडर डालने के बाद आपको इसे भूनना नहीं है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। रोस्टेड पीनट पाउडर हमने ऐड किया है, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा भूनेंगे तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पर बस एक स्टर दीजिए और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मिलाने के बाद आप तुरंत गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। पूरी तरह से सब्जी तैयार है हमारी सर्व करने के लिए और इसका भी टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। इनमें पीनट पाउडर का जो टेक्सचर होता है बहुत ही क्रंची लगता है और ये टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगी। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया हमने और अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ, या आप चाहें तो इसे पूरियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैवलिंग के लिए बना रहे हो तो प्याज को स्किप कर दीजिए, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स वही रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देखिए, तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी बाकी नई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।